नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आशुतोष। बिहार के सियासत में इस वक्त भूचाल आ गया है। एक तरफ जहां एनडीए में गिरिराज सिंह नाराज हो गए हैं, शहनवाज हुसैन का टिकट कट गया है, मतलब भागलपुर जेडीयू के कोटे में चला गया, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। इन तमाम मुद्दों पर मेरे साथ बात करने के लिए जेडीयू के प्रवक्ता अजय आलोक जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। भागलपुर सीट आप लोगों ने ले लिया और खबर है कि शहनवाज हुसैन नाराज हो गए। देखिए, ऐसा है कि महागठबंधन और एनडीए में बेसिक फर्क समझिए। एनडीए के जितने सिपाही हैं वो सब तन मन धन तीनों चीज़ से लगे हुए हैं। देखिए, मन होगा तभी काम तन करता है, और जब काम तन करने लगता है तो धन अपने आप निकल जाता है। इसलिए किसी की नाराज़गी का कोई प्रश्न ही नहीं है। ये तीनों दलों के शीर्ष नेताओं ने, क्योंकि सीट शेयरिंग जब हुई तो स्वाभाविक है कि अब दल बढ़ गए हैं तो सीट सबके घटेंगे। लोजपा की भी सीटें घटी, भाजपा की सीटें घटी, हमारी सीटें घट गई। हम 25 पे लड़ते थे, हम 17 पे लड़ रहे हैं। भाजपा 22 जीती हुई थी, 17 पे लड़ रही है। तो इसलिए इसमें नाराज़गी जैसी कोई बात किसी की नहीं है। सब अपने हिसाब से लक्ष्य एक है कि 40 में 40 जीत के प्रधानमंत्री मोदी जी को बिहार की तरफ से ये तोहफा देना। देखिए, एक और सवाल है कि जो विपक्ष विशेष तौर पे आरजेडी और तेजस्वी यादव आप लोग पे आरोप लगाते हैं और भाजपा पे भी आरोप लगाते हैं कि आप लोगों का दो सिर्फ सांसद था, 17 सीट आपको मिल गया, यानी कि भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो गई और 2019 में आप लोगों की सरकार वरकार बनने वाली नहीं है। बड़ा कन्वीनियंटली भूल जाते हैं, किसी 2009 से 2014 तक जनता दल यूनाइटेड के 20 सांसद होते थे। अपनी औकात कभी देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गए। हमारी कृपा पे 22 सीट वाले आज 80 सीट पहुँच गए हैं और हमें ही आँख दिखाते हैं। औकात पता चल जाएगी 23 मई को, फिर देखिएगा 24 मई को आपके सामने आके बोलेंगे ईवीएम का भूत हो गया। कई ऐसे सीटें हैं, जैसे दरभंगा लोकसभा सीट हुआ, वहां से संजय झा बहुत दिन से तैयारी कर रहे थे, आपके ही पार्टी के नेता हैं, और वो सीट भाजपा के कोटे में चला गया। वहां पे भी आक्रोश नजर आ रहा है। भागलपुर पे शहनवाज हुसैन के लिए आक्रोशित हैं लोग, गिरिराज सिंह नाराज हो गए हैं, तो इन तमाम चीज़ों को कैसे सुलझाइएगा, चाहे आपके पार्टी में हो या एनडीए में दूसरे दल में हो? एनडीए में मैंने कहा ना कि कोई नाराजगी नहीं है, ना कोई असंतोष है। जिसको सीट नहीं मिला उसको स्वाभाविक है कि थोड़ी तो निराशा होगी ना, हर कोई तैयारी करता है, लेकिन नहीं मिला। जब गठबंधन होता है तो बिना कुर्बानी के गठबंधन हो ही नहीं सकता है, और एनडीए के हर एक धड़ा कुर्बानी देने के लिए तैयार है। यही फर्क है एनडीए में और महागठबंधन में, क्योंकि वहाँ लालचियों की जमात है। एक आदमी कुर्बानी देने को तैयार नहीं है, चाहे कांग्रेस हो चाहे आरजेडी हो, और तो और मांझी जी भी कुर्बानी देने को तैयार नहीं है, बाकियों की क्या बात करना है। हर एक को 3 सीट, 5 सीट, 20 सीट, 22 सीट, 12 सीट, सीट मिला के 40, डिमांड 50 की। तो वहाँ की कहानी अलग है, हमारी कहानी अलग है। महागठबंधन में सीटों का पेच फिर से फंस गया। कल तक स्थिति स्पष्ट थी, कभी वो पेच सुलझेगा ही नहीं। कोई महागठबंधन बंधन नहीं है, ये महामिलावटी मतलबी बंधन है। जिसका मतलब नहीं सधेगा वो इस बंधन से बाहर होते चले जाएंगे। तो देखिए, अगर कांग्रेस अलग होती है मान के चलिए, या महागठबंधन टूटता है, तो सबसे ज्यादा फायदा तो आप लोगों को होगा ना। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी दल ये मान के चल रहे हैं कि 2019 तो गया, 2024 की ये तैयारी हो रही है। तो सभी दल चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे चुनाव लड़ें ताकि उनका संगठन मजबूत रहे 2024 के चुनाव के लिए। इसीलिए कांग्रेस उत्तर प्रदेश में भी गठबंधन नहीं कर रही है, यहाँ से भी गठबंधन से भाग गई, वेस्ट बंगाल से भी गठबंधन से भाग गई। कितनी सीटें हो गई तीन राज्यों मिला के? 80, 40 और 42। 162 सीट पर कांग्रेस कोई गठबंधन नहीं कर रही है। क्या मतलब है? 2024 की तैयारी है, क्योंकि अगर जीतने की इच्छा होती और जीतने का मादा होता तो आदमी जान लगाता है, जैसे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जैसे जेडीयू जान लगा रही है एक एक सीट जीतना है। इन लोगों को जीतने की इच्छा ही नहीं है, तो संगठन बना रहे, बनाइए 24 में फिर देखेंगे। इनको अभी 29 तक इनके लिए कोई स्कोप नहीं है, 29 के चुनाव में जब संगठन बना लेंगे तब ये आए सामने, तब हम लोग बात करेंगे। तो अगर जैसे कांग्रेस अलग हो जाएगी या गठबंधन एकजुट अगर रहती है, जो यूपीए अगर एकजुट रहती है, तो इससे ये कितनी बड़ी चुनौती होगी आपको? और अगर ये लोग बिखर जाते हैं तो कितना फ़ायदा मिलेगा? अरे कोई चुनौती पहले भी नहीं थी, बिखरने पे भी कोई चुनौती नहीं रहेगी। लड़ाई एक नंबर की यहाँ थी ही नहीं, लड़ाई कभी एक नंबर की नहीं थी। एक नॉर्मल अरिथमेटिक, हालांकि चुनाव नॉर्मल अरिथमेटिक नहीं होता है, केमिस्ट्री होती है, लेकिन नॉर्मल एरिथमेटिक भी जोड़िए तो जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी का तीनों का मत प्रतिशत मिला के 54% से ऊपर है बिहार में। कहाँ से कोई लड़ेगा भाई? केमिस्ट्री इतनी अच्छी है कि 54 को 64 करने में हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा।
मीडिया में खबर है कि मुख्यमंत्री 200 से 225 जनसभाओं को संबोधित करेंगे इस चुनाव में, तो क्या प्रधानमंत्री मोदी से ज़्यादा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे का को कैश करेगी एनडीए? देखिए, हर प्रदेश में, मैंने पहले भी कहा है, हर प्रदेश में वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं एनडीए के, वो उस प्रदेश में लीड करेंगे। पूरे देश में लीड कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, और नीतीश कुमार के लिए 220-225 सभा करना कोई नई बात तो है नहीं। हर चुनाव में उतना ही करते हैं, चाहे विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, क्योंकि हर चुनाव उनके लिए चुनौती होता है, तो करेंगे, उसका ज़्यादा कर ले। तो नीतीश कुमार के साथ होने से कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलेगा ना उनकी ज़्यादा प्रचार करने से, क्योंकि बीजेपी के सांसद का रिपोर्ट कुछ अच्छा है नहीं। भाई स्वाभाविक है, मैंने हमेशा कहा कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी एक और एक दो नहीं होते हैं, एक और एक 11 होते हैं, तो उस 11 का तो लाभ सबको मिलना तय। एक आखिरी सवाल है कि सीट शेयरिंग पर कब जो हो गया आप लोगों का, लेकिन प्रत्याशियों का नाम कब तक घोषणा हो जाएगा? नहीं नहीं, तो कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने सीधा कह दिया ना कि होली के बाद विधिवत सारे प्रत्याशियों की हम घोषणा कर देंगे। होली के बाद हो जाएगा मतलब कि? बिल्कुल। तो क्यों देरी क्यों लग रही है? दो तीन प्रत्याशियों को तो सिंबल भी दे दिया गया, जो जो फाइनल हो गए हैं। अब जैसे हमारे गया के प्रत्याशी सिंबल लेके गए, पूर्णिया के प्रत्याशी सिंबल लेके गए, जो फॉर्मल लिस्ट के साथ घोषणा होता है वो लिस्ट के साथ। घोषणा का नाम भी बता दीजिए, आपको पता नहीं है क्या? नहीं, हमें नहीं पता, इसलिए हम लोग पूर्णिया से संतोष जी सिंबल लेके गए, गया से विजय जी सिंबल लेके गए, तो पेपर में आ गया ये सब। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ये थे जेडीयू के प्रवक्ता अजय आलोक, जिनका स्पष्ट रूप से ये कहना है कि एनडीए एकजुट है और प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार की, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, उनकी जोड़ी एक और एक दो नहीं, एक और एक 11 है, और कांग्रेस समेत जितने भी विपक्षी दल है वो 2029 की तैयारी कर रहे हैं, 2019 की नहीं। कैमरा सहयोगी कृष्णा के साथ आशुतोष झा, सिटी पोस्ट लाइव, पटना।